अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप लोग सारे? मेरे पास पास आ जाएं ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं बताने लगी हूँ वो आपको समझ आ जाए। सबसे पहले है कि ये टेबल्स जो कि आपको नहीं आते, आप बिल्कुल टेबल लर्निंग की तरफ नहीं आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम पेपर की तरफ आते हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग डिवाइज़र। आपने इनके डिवाइज़र यानी जिन पर ये डिवाइड होते हैं वो वाले जो हैं वो आपने ढूंढने हैं, तलाश करने हैं, सर्च करने हैं। 135 डिवाइडेड बाय डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 9 का टेबल कितने टाइम तक आप लोग पढ़ेंगे तो वो 135 पूरे का पूरा आएगा। कौन बताएगा मुझे? 15 टाइम तक आप लोगों को वो आता ही नहीं है, ठीक है, तो 15 टाइम तक पढ़ोगे तो आपको वो आ जाएगा 135, यही आपका 15 ही आंसर होगा। बी क्वेश्चन देखते हैं, 112 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 16, यानी 16 आंसर है, तो किस 16 का टेबल किस टाइम तक करोगे तो 112 आएगा, 7 टाइम तक। कहाँ तक करेंगे? 7 टाइम तक। उसके बाद है 144 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 12, अब 12 का टेबल कितने टाइम तक पढ़ोगे तो आपके पास 144 आएगा, 12 एग्जैक्टली यही आएगा। इसके बाद डी क्वेश्चन देखते हैं, 117 डिवाइडेड उसके बाद डैश इज इक्वल टू 13, 13 का टेबल कितने टाइम तक पढ़ोगे तो 117 आएगा, 9 टाइम तक, ठीक है। अभी आपसे मैंने टेबल सुनना भी शुरू करने हैं। ई क्वेश्चन है 126 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 14, क्या आएगा? 14 का टेबल कितने टाइम तक लर्न करोगे तो 126 आएगा, 126 आएगा 9 टाइम तक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम मेकिंग कंप्लीट स्टेटमेंट देन मल्टीप्लाई टू चेक द आंसर। हाउ मैनी पीसेज ऑफ क्लोथ कैन बी कट फ्रॉम अ 5 meter लेंथ ऑफ क्लोथ इफ ईच पीस 50 can लॉन्ग। अब टोटल लेंथ है हमारे पास जी 50 meter, उसके बाद है ईच पीस ऑफ 5 centimeter, उसके बाद है हमने पीसेस पता करने हैं तो वो हम 50 डिवाइडेड बाय 5 होएगा तो इसका आंसर आएगा 10, और 10 डिवाइडेड बाय 5 होगा, यानी जैसे उन्होंने कहा है कि इसको मल्टीप्लाई से चेक भी करना है आप लोगों ने, तो आप 10 का टेबल 5 टाइम तक लर्न करोगे तो 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी अगर आप उस तरह से चेक करना चाहते हैं लेकिन 10 इसका आंसर है। ये ध्यान से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम वॉच शो कराए गए हैं, आपने टाइम लिखना है, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइनली फिलिंग द ब्लैंक्स। ये देखें जी, 100 के गैप से आप लोगों ने 100 के जंप से इसको ब्लैंक्स को फिल करना है। 8 to 4 है तो 9 to 4 आएगा, फिर 0 to 4 आ जाएगा, और इस तरह से 1 to 4 और 2 to 4। नेक्स्ट में आपने 1000 का जंप करना है, 9 6 9 9 1 6 9 9 2 6 9 9, ठीक है। इसके बाद प्लस का क्वेश्चन है, इसको आपने 8 2 + 7 9 और 9 + 8 17, 1 कैरी आ गया और 7 लिखा है नीचे, ठीक है। उसके बाद 9 + 7 16 16 + 16
6 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 16 प्लस 6 22 और 1 कैरी था तो 1 कैरी जो है वो करोगे तो 23, तो 3 आ जाएगा और उसके बाद 2 कैरी आ जाएगा, फिर 6 प्लस 7 13 और 1 14 और 2 16 6 और 1 कैरी आ गया, उसके बाद 7 प्लस 5 क्या हुआ 12 प्लस 8 20 प्लस 1 इधर लिखा और 20 जो है हमारे पास 2 जो है वो कैरी आया, 3 और 1 4 और 4 8 और 2 10 का 0 1 कैरी और ये देखिए 1 और 1 2 ये आंसर आ गया। ठीक है और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ये आपने माइनस करना है, 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8, 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6, 13 में से 6 माइनस करोगे तो 7, 9 में से 9 माइनस करोगे तो 0, 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8 और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1। ठीक है ये क्वेश्चन okay. आपके सॉल्व हो गए, तो अब आप लोग इसको देखें अच्छे तरीके से और ये टीचर कॉपी है ये टीचर को दे दें।